वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका जीके वर्ल्ड में। कैसे हैं आप? तैयारी कर रहे हैं जम के? यूपी पुलिस एग्जाम के जो हिंदी का है उसकी तैयारी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि हिंदी के लिए 5 वीडियो ऑलरेडी जो हैं, 50 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं इन टॉपिकों से, वो कराए जा चुके हैं। एक वीडियो बना हुआ है पर्यायवाची और विलोम पद पे, एक वीडियो है क्रियाकाल अव्यय और क्रिया विशेषण पे, एक वीडियो बनाया गया सर्वनाम प्रत्यय और उपसर्ग पे, एक है संज्ञा सर्वनाम कारक विराम चिन्ह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पे, एक वीडियो बना हुआ है संधि और समास पे। तो ये 5 वीडियो ऑलरेडी पड़े हुए हैं चैनल पे, इनको जरूर देख लें। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं छठा वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि पगड़ी रख और घीचक में लोकोक्ति का अर्थ क्या है। पहले ही समझ लेते हैं कि मुहावरे और लोकोक्ति क्या होती है। देखो, मुहावरे जो होता है वो वाक्यों के बीच में प्रयोग कर लिया जाता है और उसका अर्थ जो होता है उससे अलग होता है। लोकोक्ति में क्या होता है, ये पूरा का पूरा वाक्य होता है और जो लोगों की उक्ति, लोगों द्वारा कहा गया, सीधे सीधे जो है प्रभाव डालता है। ठीक है, तो आज पहला क्वेश्चन करते हैं। पगड़ी रख गीत चक, इसका अर्थ क्या होगा? मान सम्मान से जीवन का आनंद, नहीं ये अर्थ नहीं होगा। पढ़ लिख कर भी अनुभवहीन होना, नहीं ये अर्थ नहीं है। इसका अर्थ है निर्लज होकर कुछ पाना, निर्लज होकर कुछ पाना। जो पगड़ी होती है वो सम्मान का प्रतीक होती है। जैसे जैसे और मुहावरे हैं, पगड़ी रखना मतलब, पगड़ी रखना मतलब क्या हो गया, आपने किस पगड़ी रखी मतलब मान रखा उनका, पगड़ी रखी मतलब उनका मान रखा, मान सम्मान रखा उनका। और अगर कहेंगे पगड़ी उतारना मतलब इज्जत उतार दी उनकी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। गुलाब का फूल होना, गुलाब का फूल होना इसका अर्थ क्या है? लाल पीला होना, नहीं लाल पीला होना तो मतलब हो गया गुस्सा होना। सुंदर होना, नहीं ये तो हो गया चांद, चांद का टुकड़ा होना। विवर्ण होना, नहीं ये नहीं, दुर्लभ होना। गूले के फूल जो होते हैं बहुत दुर्लभ दिखाई देते हैं, क्योंकि वो फूल से फल जल्दी बन जाते हैं, छोटे छोटे से फल होते हैं, तो ये फूल से जल्दी से फल बन जाते हैं, तो गूले के फूल जल्दी कोई देख नहीं पाता, इसलिए वो क्या, दुर्लभ हो जाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कलेजे पर सांप लेटना, कलेजे पर सांप लौटना, दुखी होना, ईसा से जल उठना, दुश्मनी निकालना या दीनता प्रकट करना। इसका क्या हो जाएगा, कलेजे पे सांप लौटना मतलब ईसा से जल उठना, ईसा से जल उठना। दुखी होना क्या होगा, कलेजा मुंह में आना। इसका पर क्या हो जाएगा मुहावरे में, इसका मुहावरे हो जाएगा कलेजा मुंह में आ जाना। और उसका क्या हो जाएगा, दीनता, दीनता प्रकट करना मतलब गिड़गिड़ाना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। सिर से पानी गुजर जाना, सिर से पानी गुजर जाना, गहरी पानी में स्नान करना, नहीं ये नहीं, सहनशीलता की सीमा टूट जाना। बिल्कुल, सहनशीलता की जब सीमा टूट जाती है तो हम क्या कहते हैं, सिर से पानी ऊपर चला गया है। ठीक, तो इससे क्या हो जाता है, इसका तो भीगने से कोई संबंध है नहीं, सहने की क्षमता खत्म हो जाती है, या फिर कहें कि क्षमता से अधिक कुछ हो जाता है, ये हो जाता है सिर से पानी ऊपर चला जाना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है आंखों में गणना, मुहावरे का अर्थ बताइए क्या होगा। गौर से देखना, मन में खटकना, सहन न कर पाना, वस्तु को पाने की उत्कट लालसा। तो इसमें जो आंखों में गणना जो है उसके 2 आंसर हैं, आयोग ने 2 माने थे, एक बी और डी, मन में खटकना और वस्तु को पाने की उत्कट लालसा रखना। आंखों से रिलेटेड और भी हैं, जैसे आंखें बिछाना, आंखें बिछाना, आंखें बिछाना, आंखें बिछाने का है, आंखें बिछाने का हो जाएगा बेसब्री से प्रतीक्षा करना। आंख भर आना मतलब आंसू आना, आंखें लड़ाना मतलब देखा देखी होना या प्रेम होना, आंखें लाल करना क्रोध की नज़र से देखना, आंखों में खटकना, आंखों में खटकना इसका हो जाएगा बुरा लगना, आंखों में कोई खटक रहा है तो मतलब बुरा लग रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपाल, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, मतलब प्रमुख काम को छोड़ के जो गौड़ काम है उसमें लग जाना। तो देखते हैं कौन सा इसमें ऑप्शन, साधियों साधुओं की संगति छोड़ देना, नहीं है नहीं है, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, ये है। तो छठे का आंसर हो जाएगा बी और 5वें का भी बी आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कागजी घोड़े दौड़ाना, मुहावरे का अर्थ होगा नकली घोड़े दौड़ाना, नहीं बहुत परिश्रम करना, नहीं बहुत परिश्रम करना तो हो जाता है खून पसीना एक करना, खून पसीना एक करना, खून पसीना एक करना, ये हो जाएगा बहुत परिश्रम करना, वैध की लिखा पढ़ी करना, ये हो जाएगा कागजी घोड़े दौड़ाना मतलब वैध की लिखा पढ़ी करना। तो
सातवें का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गोद में लड़का सह भर में ढिंढोरा, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? शिशु को तलाशना नहीं, अत्यधिक शरारती बालक ये भी नहीं है, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना यही है। आठवें का सी, पास में वस्तु रखी हुई है लेकिन उसको चारों तरफ खोजना है। इसमें एक और एक मुहावरा बनता है, घर में छोरा शहर में ढिंढोरा, तो आठवें का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, इसमें पूछा गया अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मूर्ख बन जाना, अपमानजनक बात कहना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना या बेफिक्र होना। बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, बेफिक्र होना मतलब क्या हो जाएगा? लापरवाह होना। मूर्ख बन जाना क्या हो गया? मूर्ख बन जाना हो जाएगा उल्लू बन जाना, उल्लू बन जाना, समझे। और अपमानजनक क्या हो जाएगा? जो ताने वाले जाते हैं वो अपमानजनक बातें हो जाती हैं। तो 9वें का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 10वां देख लेते हैं, अंडे सेना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मुर्गी का चूजों के ऊपर बैठना, नहीं ये मुहावरा नहीं है, ये तो इसका वो हो गया, यही होता है अंडे मुर्गी से थी, लेकिन ये मुहावरे का अर्थ नहीं बनेगा। स्वावलंबी होना, स्वावलंबी मतलब होता है अपने पैरों पर खड़े होना, मतलब जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आप स्वावलंबी बन जाएंगे। स्वार्थ सिद्ध करना नहीं, घर में बेकार बैठना, ये क्या हो गया? घर में बेकार बैठना, अंडे सेना मतलब घर में बेकार बैठना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ उन्होंने पूछा है लड़ाई झगड़ा होना, लूट मचाना, छीना झपटी करना, किसी वस्तु की बहुतायत। किसी वस्तु की बहुतायत जो होती है वो तो होती है कि बाढ़ आ जाना, मतलब किसी वस्तु की बाढ़ आ गई तो उसकी बहुतायत हो गई। लड़ाई झगड़ा करना जूतम का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लड़ाई झगड़ा करना, तो 11वें का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लूट मचाना मतलब छीना झपटी करना, तो ये इसका मुहावरा हो जाएगा। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, भाड़ दोस्तों वो होता है जहाँ पे जो है ये गेहूँ चने जो है इनको भूंजा जाता है, तो वो अकेला चना उसको नहीं तोड़ सकता है, मतलब अकेला व्यक्ति जो है वो शक्तिशाली नहीं होता है। तो 12वें का क्या हो जाएगा? सी। 12वें का क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है पौ बारह होना, पौ बारह होना मतलब चारों तरफ से लाभ आना, कहीं है बसंत ऋतु का आगमन नहीं, भाग जाना तो मतलब 9 तो 11 हो गया, अत्यधिक लाभ होना यही है। तो 13वें का क्या हो जाएगा? सी। 13वें का सी हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ और मुहावरे देखते हैं, जैसे होता है भाग जाना का क्या हो गया? 9 दो 11, 3 13 होना मतलब तितर बितर हो जाना, ये अंकों से संबंधित कुछ मुहावरे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, ऐसे एक मुहावरा है जाकी नहीं फटी बिवाई तो क्या जाने पीर पर आई, तो वो सेम ही कर सकते हैं, दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना नहीं, सहानुभूति नहीं दिखाना ये नहीं, संतानहीन होना नहीं, जिस पर बीतती है वही जानता है, जिस पर बीतती है वही जानता है। तो 14वें का क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 15 में देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में है कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहरा होना नहीं, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना। जो अफवाहों पर विश्वास कर लेते हैं लोग उनको कहा जाता है कि वो कान के कच्चे हैं, वो सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं करते, वो अफवाहें सुनते हैं उनको मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? कान के कच्चे। घुटने टेकना, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? हार मान लेना। जब अपने विरोधी के सामने आप घुटने टेक लेंगे मतलब आप उसके सामने अपनी हार मान लेंगे। तो 16वें का क्या हो जाएगा? सी। और 15वें का बी। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ हो गया किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, क्या खिचड़ी पक रही मतलब कोई षड्यंत्र की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 के क्या हो जाएगा? सी। कुछ और मुहावरे देख लेते हैं, जैसे होता है खाक में मिलाना, खाक में मिलाना, खाक में मिलाना मतलब हो गया बर्बाद करना, खून का प्यासा मतलब जान से मारने पर उतारू, खून का प्यासा हो जाएगा जान से मारने पर उतारू, खून का प्यासा, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ और मुहावरे हैं, नीम हकीम खतरे की जान, नीम हकीम खतरे की जान, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना, नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना, उक्त में से कोई नहीं, इसका क्या हो जाएगा? पहला, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, तो नीम हकीम होते हैं उनको बहुत कम जानकारी होती है और वो इलाज करने लगते हैं तो वो काफ़ी खतरनाक हो जाता है। ऐसी एक मुहावरा है अधजल गगरी छलके जाए, कम ज्ञान होने पर भी ज़्यादा दिखावा जो करते हैं कि हम बहुत अच्छे ज्ञानी हैं तो वो हो जाते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। तो 17 का हो जाएगा सी, 18वें का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, पौ बारह होना, पौ बारह मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सब तरह की सुख सुविधाओं का होना, उपद्रव करना, पलायन कर जाना या प्रयासरत करना। देखिए पौ बारह में हम लोगों ने अभी किया था
लेकिन वहाँ पे ऑप्शन अलग थे, यहाँ पे ऑप्शन अलग है। तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देखेंगे, यहाँ पे उपद्रव करना तो नहीं होता है, पलायन का जाना नहीं होगा, प्रयासरत करना नहीं होगा। पाव बारह मतलब हो गया हर तरीके से लाभ, तो सब तरीके से सुख सुविधाएं मिल रही हैं, तो ये इसका अर्थ हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से, है ना। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस पे ही पता दिखती हैं कि कौन सा ऑप्शन चूज करना होगा इसमें और किस तरीके से बाकी हटाने होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में देख लेते हैं, सब्ज बाग दिखाना। सब्ज बाग दिखाना मतलब असीम सपने दिखाना। तो असीम सपने दिखाना उसमें क्या हो जाएगा, प्रलोभन देना, प्रलोभन देना। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। 20 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। कुछ अन्य प्रमुख देख लेते हैं, अधजल गगरी छलकत जाए, कम ज्ञान होने पर भी ज़्यादा ज्ञान दिखाना, अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी का मतलब क्या हो गया, एकमात्र सहारा, नजर पर चढ़ना मतलब पसंद आना, नजर पर चढ़ना मतलब पसंद आना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, खुदा गंजे को नाखून ना दे, लोकोक्ति का अभिप्राय है। छोटे आदमी को का प्रेम अस्थिर होता है, लज्जित होकर दूसरों पर क्रोध ना निकालें, एक दोस्त पहले से था दूसरा और आ गया, अत्याचारी को सख्ती नहीं मिलनी चाहिए। गंजे को नाखून ना दे मतलब गंजा जब खुजली करता है, नाखून होते हैं उसके, तो उस सर पर चोट कर लेता है, तो मतलब ऐसी उसको सख्ती ना दें, ऐसा उसको पावर ना मिले जिससे वो खुद को नुकसान पहुंचाए या दूसरे को नुकसान पहुंचाए। तो ये ऑप्शन इससे मैच करता है, डी से, अत्याचारी को सख्ती नहीं मिलनी चाहिए, अत्याचारी को सख्ती नहीं मिलनी चाहिए। तो 21 का हो जाएगा डी। 22, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, मतलब एक दूसरे का सहारा बनना, है ना। तो ये कहाँ है, संघर्ष होना, नहीं ये नहीं है, एक दूसरे की सहायता करना, हाँ यही है। 22 का क्या हो जाएगा, 22 का हो जाएगा बी। 22 का क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक हाथ से ताली जो नहीं बजती, इस लोकोक्ति का अभिप्राय क्या है, शत्रुता दोनों पक्षों से गलती से होती, संघर्ष बराबरी वाले दोनों पक्षों से होती, एक आदमी से काम नहीं चलता, सराहना हेतु दोनों से ताली बजाएं, ये सराहना के लिए नहीं है, ये है शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है, शत्रुता एक पक्ष की गलती से नहीं होती है। कुछ प्रमुख जो है मुहावरे देख लेते हैं, जैसे हो गया पगड़ी उतारना, पगड़ी उतारना का मतलब इज्जत उतारना, पगड़ी रखना, पगड़ी रखना मतलब हो गया मान सम्मान करना। ऐसे सिक्का जमाना, सिक्का जमाना क्या हो गया, प्रभुत्व जमाना हो गया। 7-5 करना, 7-5 करना, आगे पीछे करना, आगे पीछे करना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मतलब बहुत ही असंभव कार्य है जिसको करने के लिए लगे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, नक्कार खाने में तूती की आवाज़, नक्कार खाने में तूती की आवाज़ मुहावरे का अभिप्राय क्या है। जो कारखाना चल रहा होता है तो वहाँ पे तूती अगर बजाओगे तो कुछ सुनाई नहीं देगा, तो वो क्या हो जाएगा, समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 25वें का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 25वें का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे ही एक होता है नाच नचाना, नाच नचाना, नाच नचाना, तो इसका क्या हो जाएगा, तंग करना, इसका होगा तंग करना। अंधे का आँख के अंधे नाम नयन सुख, आँख के अंधे नाम नयन सुख, 26वें पूछा गया है, आँख के अंधे नाम नयन सुख, गुणों के विरुद्ध नाम का होना, गुणों के विरुद्ध नाम का होना। ऐसे ही हो गया जैसे कोई बोल नहीं पाता है और उसका नाम हो तानसेन, तो क्या होगा, मतलब वो बोल ही नहीं पाता है तो उसका नाम तानसेन, मतलब गुणों के विरुद्ध उसका नाम होना। क्वेश्चन नंबर 26 और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, आँख से रिलेटेड, आँखें चार होना मतलब देखा देखी करना, आंखें चार होना मतलब देखा देखी करना, आंखें चार होना, आंखें चार होना मतलब हो गया देखा देखी करना, देखा देखी। अगला है आग दिखाना मतलब क्रोध प्रकट करना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, चिकना घड़ा होना, चिकना घड़ा होना मुहावरे का क्या होगा, चिकना चुपड़ा होना नहीं, समृद्ध होना नहीं, निर्लज होना, मतलब कितना भी उससे बात को उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे चिकने घड़े पे कितना भी पानी डालो बाहर से उस पर नहीं रुकता है, वैसे हो जाता है चिकना घड़ा होना मतलब निर्लज होना। ऐसे ही चार से और है, चलता पूजा, चलता पूजा मतलब हो गया काफी चालाक, काफी चालाक,
एक मुहावरा और है, चांद का टुकड़ा बहुत सुंदर होना। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है जबकि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। ये वही बात है जो हमने बताई थी। तो कथन ये क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। जैसे होश उड़ गया, तो होश उड़ जाना मतलब जो है ये वाक्य के बीच में प्रयोग होगा। और जबकि लोकोक्ति के क्या हो जाएगा? बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, ये क्या हो जाएगी? लोकोक्ति, अपने आप में पूरा एक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। एक वाक्यांश में निम्न अर्थ समाहित था, उसका मतलब क्या है? कौन से वाक्यांश में निम्न अर्थ समाहित है? कुल हृदय वाला व्यक्ति, करुणा से रहित हृदय वाला व्यक्ति, संवेदन शून्य व्यक्ति, दया रहित व्यक्ति। निर्मम मतलब जिसके अंदर में ममता ना हो, तो वो क्या हो जाएगा? करुणा से हृदय वाला व्यक्ति। तो 29 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, समय के अनुसार काम करना चाहिए। समय के अनुसार काम करना चाहिए, इसमें अर्थ क्या होगा? जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए। यह है लोकोक्ति, बिल्कुल सही है इसकी। जैसी बहे बयार, बयार मतलब होती है हवा, पीठ तब तैसी दीजिए, उसी तरह आप चल दीजिए जिधर हवा चल रही हो। जाके पाँव न फटी बेवाई, सो क्या जाने पीठ पर आई। अभी हम लोगों ने करा ही था, जिसको वैसा दर्द नहीं हुआ है वो कैसे जाने कि उस दर्द कितना सहनीय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यह भी, का बरसा जब कैसी सुखानी, मतलब बारिश बाद में बरसने से क्या फ़ायदा जब खेती सूख गई। मतलब कोई कार्य देर से होना, जब जरूरत थी तब तो नहीं हुआ लेकिन बाद में हुआ तो उसका कोई फायदा नहीं रहा। इससे और एक और मुहावरा, जैसे जान पर खेलना। जान पर खेलना तो क्या हो जाएगा? प्राण संकट में डालना। दिल दरिया होना, दिल दरिया होना क्या हो जाएगा? उदार होना। दिल दरिया होना मतलब हो जाएगा, दिल दरिया होना इसका हो जाएगा उदार होना, उदार होना। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखने में ये 50 क्वेश्चन हैं लेकिन आपको कम से कम नहीं तो 100 क्वेश्चन जो है हम लोग कराए रहे हैं, तो लगातार इसको देखते रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। भारत के अकुलित धन वैभव पर अंग्रेजों ने दांत गड़ा दिए, वाक्य में प्रयुक्त तो दांत गड़ा दिए का अर्थ क्या होगा? किसी वस्तु को गलत ढंग से पाने की गहरी चाह, किसी वस्तु को देखकर लालच जाना, किसी वस्तु चुराने की चेष्टा करना, धोखे से दूसरे की वस्तु लेना। तो क्या होगा इसका? हो जाएगा बी, किसी वस्तु को देखकर लालच आना। ऐसे क्या हो जाएगा? दांत गड़ाने के साथ हो जाता है दम मारना। दम मारने का मतलब क्या हो गया? विश्राम करना, विश्राम करना। ऐसे दांव खेलना, दांव खेलने का क्या हो जाएगा? दांव खेलना, दांव खेलना। इसका हो जाएगा मुहावरे का धोखा देना। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। चांद पर थूकना मुहावरे का आशय, असंभव काम करना नहीं, निरर्थक काम करना, सौंदर्य का अनादर करना नहीं, सम्माननीय का अनादर करना, सम्माननीय का अनादर करना। चांद से जुड़े हुए और भी कई विलोम हैं जो इंपॉर्टेंट है। चांद का टुकड़ा होना, जैसे तो चांद का टुकड़ा होना क्या हो जाएगा? बहुत सुंदर होना, क्या हो जाएगा? बहुत सुंदर, चांद का टुकड़ा बहुत सुंदर। और जैसे हो गया चार चांद होना, मतलब शोभा बढ़ जाना, चार चांद होना मतलब शोभा बढ़ जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का डी, 31 का बी। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। बेटा समय रहते ना पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे, वाक्य में बुरी तरह पछताओगे स्थान पर कौन सा मुहावरा आ सकता है? आठ आठ आंसू पे रोगे, आठ आठ आंसू पे रोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा बुरी तरह पछताओगे, इसकी जगह पे इसको प्रयोग किया जा सकता है। जैसे बेटा समय रहते ना पढ़े तो भविष्य में आठ आठ आंसू रोगे। अगला क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 34। नियम विरुद्ध कार्य करना, अर्थ के अनुकूल सही मुहावरा कौन सा है? सूरज को दिया दिखाना, नहीं, सूरज को दिया दिखाना हो गया तो प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। जैसे कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है और उसका परिचय देते हुए यूज़ करते हैं कि सूरज को दिया दिखाने वाले। उल्टी गंगा बहाना, ये हो गया नियम विरुद्ध काम करना। नियम विरुद्ध काम करना मतलब उल्टी गंगा बहाना। 9 2 11 मतलब होता है भाग जाना। दाई से पेट छुपाना, दाई से पेट छुपाने का अर्थ होता है जानकार व्यक्ति से छुपाने की कोशिश करना। तो 34 का जो होगा नियम विरुद्ध कार्य करना, इसका हो जाएगा बी, उल्टी गंगा बहाना। 33 का क्या हो जाएगा? आठ आठ आंसू रहोगे, 33 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में इनमें से एक लोकोक्ति है, बाकी सब मुहावरे हैं। जैसे अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना क्या हो गया? करने से मना करना। अंधा होना मतलब दिखाई ना देना। ऊँट के मुंह में जीरा, ऊँट के मुंह में जीरा जो है ये एक लोकोक्ति है, ऊँट के मुंह में जीरा होना।
इधर उधर की हाँकना, ये एक मुहावरा है। इधर उधर की हाँकना मतलब क्या हो गया, ये मुहावरा है। ऊँट के मुंह में जीरा जो है ये एक लोकोक्ति है। तो 35 का क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 36 में कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, सही दिखाना, अच्छा दिखाना, अच्छा लिखना, ज़्यादा लिखना, बेकार लिख कर प्रदर्शित करना। तो इसका सही आंसर होगा कलम तोड़ आज लिखाई करी, मतलब बहुत अच्छा लिखा है। तो क्या हो जाएगा, 36 का बी हो जाएगा, 36 का बी हो जाएगा। एक जैसा मुहावरा होता है कलई खुलना, कलई खुलना, इसका अर्थ क्या होता है, कलई खुलने का अर्थ हो गया भेद खुल गया, भेद खुल गया, भेद खुल गया। तो क्वेश्चन नंबर 36 का हो जाएगा बी, 35 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, ढाक के तीन पात का अर्थ क्या होगा, अपने स्थान पर अड़िग रहना, साफ इनकार कर देना, बेकार घूमना, नहीं इनमें से कोई नहीं, नहीं अपने स्थान पर अड़िग रहना। ढाक जो है इसका मतलब होता है पलाश, पलाश के जो फूल होते हैं उनको ढाक कहा जाता है, और पलाश का जो पेड़ होता है उसमें जो है पत्ते, तीन पत्ते एक साथ निकलते हैं, न चार न दो, तीं पत्ते एक साथ निकलते हैं, तो वही ढाक के तीन पात, हर मौसम में एक जैसे रहना, ये भी अर्थ इसमें पूछा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा गलत सुमेलित है, क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है, कौन सा गलत सुमेलित है, अंगूठे पर मारना मतलब परवाह न करना, बिल्कुल ठीक है, कान काटला मतलब मात करना, ठीक है, नजर करना मतलब भेंट करना, आजकल नजर नहीं आ रहा मतलब भेंट नहीं कर रहा, नजर पर चढ़ना, नजर पर चढ़ना नहीं होता आँख बचाना, नजर पर चढ़ना मतलब हो गया पसंद आ जाना, क्या हो जाएगा इसका मतलब, हो जाएगा पसंद आ जाना, नजर पर चढ़ गया मतलब पसंद आ गया, पसंद आ जाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में जूतियों में दाल बांटना, जूतियों में दाल बांटना इसका क्या हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा करना, लड़ाई झगड़ा करना, जूतियों में दाल बांटना मतलब लड़ाई झगड़ा करना। और क्या, नाक काटना एक मुहावरा है, नाक काटना, नाक कटना वही हो जाता है, नाक काटना, नाक काटना, तो नाक कटने का जो अर्थ होता है वो होता है इज्जत जाना, नाक कटने का अर्थ हो गया इज्जत जाना, और नाक काटने का अर्थ होता है इज्जत नष्ट करना, इज्जत जो है जब नष्ट करी तो हो गया नाक काट करना। घड़ो पानी, 40, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, घड़ो पानी पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, नहाना नहीं, कांपना नहीं, लज्जित होना, घड़ो पानी पढ़ना मतलब उसकी बहुत बेइज्जती की गई, वो बहुत लज्जित है। जैसे ऐसा देख सकते हैं, एक मुहावरा है घर का उजाला, घर का उजाला, तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा कुलदीपक, कुलदीपक। देखिए इसमें लिखे 50 क्वेश्चन ही हैं, लेकिन इनकी एक्सप्लेनेशन करते करते आपको 100 से ज़्यादा जो है मुहावरे आपको तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए इसको और शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगला क्वेश्चन है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, रवि मतलब हो गया सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची क्या है, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, ठीक। तो कवि बहुत तर्कशील होते हैं, नहीं, कवि बहुत भावप्रवण होते हैं, इसका ये अर्थ नहीं है, कवि भावप्रवण होते हैं, तर्कशील भी होते हैं, विचारशील भी होते हैं, लेकिन इस मुहावरे का अर्थ है कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं, कल्पना में ऐसी ऐसी हो जाती है जहाँ पर रवि भी नहीं पहुँच पाता लेकिन वहाँ कवि की कल्पना पहुँच जाती है, इसलिए कहा गया जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, पढ़े फारसी बेचे तेल, पढ़े फारसी बेचे तेल या देखें कुदरत का खेल, क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है, पढ़े फारसी बेचे तेल या देखें कुदरत का खेल। तो इसमें हो जाएगा कि शिक्षित होकर बेकार रहना नहीं, योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, योग्यता तो है आपके अंदर लेकिन आपको उस स्तर की जॉब नहीं मिली है, निम्न स्तर की जॉब कर रहे हैं, ठीक। इसे एक मुहावरा है पानी फिर जाना, पानी फिर जाना, पानी फिर जाना, पानी फिर जाने का अर्थ होगा बर्बाद होना, बर्बाद होना, बर्बाद होना। और एक पेट में चूहे कूदना, पेट में चूहे कूदने का हो जाएगा, पेट में चूहे कूदने का
पेट में चूहे कूदने का हो जाएगा कि भूख लगना, क्या हो जाएगा भूख लगना। तो 41 का हो जाएगा डी, 42 का हो जाएगा बी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है, संपत्ति का बचा रह जाना नहीं, इज्जत बचा रह जाना नहीं, शत्रु का मुकाबला होना ये नहीं, वीर गति को प्राप्त होना। पहले क्या होता था, युद्ध के बाद जो सैनिक जो शहीद हो जाते थे उनको खेत में ही दफन किया जाता था, तो वही उसको कहा जाता था खेत में रहना। इसको इस तरीके से याद कर लेंगे तो हमेशा ध्यान में बना रहेगा, जब भी ये मुहावरा आएगा आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा कि युद्ध में शहीद हुए लोग हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा खेत में रहना। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है, काठ का उल्लू होना, काठ का उल्लू होना मतलब मूर्ख, अकलक का दुश्मन ये भी हो जाएगा मूर्ख, आस्तीन का सांप ये है कपटी मित्र, आस्तीन का सांप कपटी मित्र। तो 44 का हो जाएगा सी, 41 का भी सी, 43। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया तू डाल डाल मैं पात पात, मतलब तुम डाल डाल उछलोगे मैं पत्ते पत्ते में भी उछलूंगा, मतलब चालाकी का जवाब और चालाकी से देना। तो 45 का क्या हो जाएगा डी, 45 का क्या हो जाएगा डी। एक जो अनुभाव जैसे हो जाएगा टूटी बोलना, टूटी बोलना मतलब प्रसिद्ध होना, टूटी बोलना मतलब प्रसिद्ध होना, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा, मतलब अर्थ पहले से दे सकता है, अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप मुहावरा पूछा है, मीठी छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी, पेट में डाली या आस्तीन का सांप। तो जो अदृश्य शत्रु है इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप। तो 46 का क्या हो जाएगा डी, पेट में डाली होना मतलब होता है आयु से ज़्यादा ज्ञान होना, पेट में डाली मतलब आयु से ज़्यादा ज्ञान होना, मुंह में राम बगल में छुरी मतलब दिखावे में कुछ और लेकिन मन में कुछ और, बाहर कुछ और दिखा रहे हैं और मन में कुछ और छिपा हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया बहती गंगा में हाथ धोना, बहती गंगा में हाथ धोना, चातुर्वृत्त से काम निकालना, अपना काम निकालना, पुण्य का कार्य करना, अवसर का लाभ उठाना, अवसर का लाभ उठाना, गंगा बह रही है उसी अवसर में अपना लाभ उठा लेना। क्वेश्चन नंबर 48 आग में घी डालना, आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, हवन करना नहीं, देवता को प्रसन्न करना नहीं, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, क्रोधी क्रोध में पहले से ही है, आग जल रही और उसमें और घी डाल दिया मतलब क्रोधी को और अधिक क्रोध दिलाना। तो 48 का हो जाएगा सी, 47 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 में कीचड़ उछालना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, कीचड़ उछालना मल फेंकना नहीं, दूसरों के कपड़े गंदे करना ये नहीं है, बदनाम करना, क्या है बदनाम करना, किसी सम्मानीय व्यक्ति पे कीचड़ उछालोगे तो तुम उनको बदनाम करोगे। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है अवांछी संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा, अवांछी संवाद मतलब जिसकी इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी वो संवाद हो रहा है, तो सिर खपाना, सिर खाना, सिर नीचा होना या सिर पड़ना, तो क्या होगा सिर खा रहे हो तो मेरा सिर खा रहे हो मतलब अवांछी संवाद किए जा रहे हो। तो 50वें का क्या हो जाएगा बी। तो दोस्तों यहाँ पे 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कम्प्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ से मुहावरे के लगभग लगभग 100 क्वेश्चन जो है आज हम लोगों ने किए हैं, 100 मुहावरे हम लोगों को बिल्कुल कंठस्थ हो गए। ये वीडियो बार बार देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, जुड़े रहिए जीके वर्ड से।